हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिस्टी टेक। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे गैजेट यूज़ करते हैं जिसमें बैटरीज होती है और जिनका फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी बैटरी की बात करेंगे जो कि ब्लास्ट प्रूफ रहेगी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था, हम लोग गैजेट यूज़ करते हैं, उसमें बैटरी होती है जो कि ली पॉलीमर या लिथियम आयन बैटरीज होती है, जो कि बैटरी उन बैटरियों को फटने का खतरा रहता है हमेशा। आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे, स्पेशली सैमसंग का जो फ़ोन था नोट 7। आज हम लोग जो बैटरी के बारे में बात करेंगे जो कि ब्लास्ट प्रूफ रहेगी। तो ये बैटरी ऐसा अभी तक मतलब आया नहीं, इसका बस प्रोटोटाइप आया है, मतलब इसे बोला जा रहा है कि ऐसी बैटरी हो सकती है इन फ्यूचर जो कि ब्लास्ट प्रूफ रहेगी। तो ये बैटरी सोडियम सल्फेट के बोले जा रही है। और आप ये भी जानते हो कि इम्प्लांट में अगर बैटरी जो यूज़ होती है अगर वो फट गए तो आपके बॉडी के लिए और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। या फिर आप फिटनेस बैंड यूज़ करते हो, मोबाइल जब कॉल करते हुए यूज़ कर बैटरी फट गई तो बहुत डेंजरस होता है, आप चाहोगे नहीं कभी ऐसा हो। तो जो सोडियम सल्फेट की जो ये बैटरी है, ये बैटरी ऐसे बोला जा रहा है ब्लास्ट प्रूफ रहने वाली है। दूसरी बात, ये इम्प्लांट के लिए अगर यूज़ होगी तो ये बहुत छोटी होगी क्योंकि इसके ज़्यादा कवरिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो नॉर्मल बैटरी हम अभी इम्प्लांट में यूज़ करते हैं, लिथियम पॉलीमर लिथियम आयन बैटरी, उन्हें कवर करना पड़ता है ताकि वो लीक ना हो और ब्लास्ट भी हो तो थोड़ा सेफ रहे। तो जैसे सोडियम सल्फेट बैटरी बात कर रहा हूँ कि वो ब्लास्ट प्रूफ रहेगी, तो वो सोडियम और अगर इम्प्लांट की में लीक भी हो गई तो इतना डेंजरस नहीं, डेंजरस है लेकिन लिथियम पॉलीमर जितना डेंजरस नहीं है क्योंकि सोडियम हम कंज्यूम करते हैं और सोडियम कंज्यूमेबल है। जैसे कि हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, सॉल्ट जो खाते हैं उसमें भी सोडियम होता है, तो मतलब इतना डेंजरस नहीं है जितना अगर लिथियम बैटरी लिथियम पॉलीमर लिथियम आयन बैटरी अगर आपके इसमें लीक हो गए। फिर दूसरा, इस बैटरी का क्या फीचर है, ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। जो हमारी लिथियम हमारी जो नॉर्मल बैटरीज है वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो हमें वैसे बहुत सारे डिवाइसेस में लगाने के लिए हमें ज़्यादा जगह लगती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हम लोग इसे मतलब राउंडेड शेप में भी करके, जैसे कि अगर एक पोल है तो पोल में भी लगा सकते हो, तो हमें इसका अलग सा बैटरी बॉक्स नहीं लगेगा। तो ये इसका एक और फीचर है। तीसरा जो इसको फ्यूचर बैटरी बनाता है वो है इसका ऑटोमेटिक चार्जिंग। ऑटोमेटिक मतलब ऐसा बोले जाते हैं जो आपके बॉडी फ्लूइड है उससे उसके थ्रू ये चार्ज होगा। मतलब अगर फिटनेस बैंड यूज़ करते हो, मतलब आपको अगर चार्ज करना, आपको भागना पड़ेगा, जिससे स्वेट आएगा, स्वेट से चार्ज होगा, मतलब आपका फिटनेस भी हो जाएगा, जो भी चीज़ें चार्ज भी हो जाएगा और शायद आपको कभी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक टाइप का फ्यूचर बैटरी है। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा, कितने में होगा, अभी तक हमें बस इतना इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये होना भी चाहिए ट्रू। और एक और कॉन्सेप्ट है सुपर कंडक्टर बैटरीज, जो कि बहुत है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो सुपर कंडक्टर बैटरीज। वो ऐसा बोला जाता है कि बहुत जल्दी मतलब 1-2 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, वो भी बैटरी आ सकती है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ लाइक, वो जो ब्लू बटन है आप उसे दबा दीजिए तो ये वीडियो लाइक हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो और वीडियो अच्छी अच्छी मिलेगी। और प्लीज़ कमेंट करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो मेरी वीडियो 2-2 हफ्ते में आ रही है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकता हूँ। तो मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।